हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कोडिंग वल्ली में। दोस्तों, हमने पिछले यानी तीसरे लेक्चर में जहाँ पे अपना अपना एक्शन नेम दिया था, वेलकम वेलकम दिया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं कंट्रोल सी से, और फिर वहाँ पे वाई करेंगे, और यहाँ पे फिर से हम स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट, फिर एंटर दबाएंगे। ये हमारा सर्वर फिर से स्टार्ट हो गया दोस्तों। अब सीधे हम चलते हैं यहाँ अपने क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है दोस्तों। क्रोम ब्राउज़र में हम गए, उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट कितना 3000, लोकल होस्ट 3000। उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे सीधे आ जाएगा नॉट फाउंड 404। क्यों आता है, क्यों आ रहा है दोस्तों? नट फाउंड ले रहा है, नट फाउंड यहाँ पे ये देखिए डी माई नोट टेस्ट एप डॉट जेस। यहाँ ये सब ऐप को हैंडल करना आपको आगे सिखाएंगे, लेकिन ये एरर क्यों आया आइए हम इसको बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे जब खाली था तब यहाँ पे हम लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 3000 को देके हम एक्शन कॉल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने अपना वेलकम नाम का एक्शन बना दिया है। तो यहाँ पे हम जैसे ही लोकल होस्ट 3000 और यहाँ पे बैक स्लैश में वेलकम देंगे दोस्तों। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे एक्सप्रेस वेलकम एक्सप्रेस खुल के आ गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने अपना एक्शन नेम बना लिया। यहाँ पे जो एक्शन नेम था वो खाली था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक्शन नेम कुछ नहीं था, खाली था। यहाँ पे हमने ना एक्शन नेम वेलकम बना लिया, ठीक है दोस्तों। आइए हम अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अब टाइटल को हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, कोडिंग वनली। अब देखना दोस्तों, जहाँ जहाँ टाइटल में हमारा यहाँ पे एक्सप्रेस था, जहाँ जहाँ एक्सप्रेस था, ठीक है दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस, और यहाँ पे हमारा जो आ रहा था एक्सप्रेस, ये सब हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं, और यहाँ से हम फिर कंट्रोल सी करते हैं, उसके बाद वाई करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हम करेंगे npm स्टार्ट, फिर हम करते हैं एंटर, और फिर हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में, और फिर यहाँ से हम अपना एक्शन लिखते हैं लोकल होस्ट 3000, और यहाँ से हमने एक्शन नेम क्या दिया था दोस्तों, वेलकम वेलकम, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखो, यहाँ से टाइटल में कोडिंग वनली आ गया दोस्तों, ये कोडिंग वनली, और यहाँ पे वेलकम टू कोडिंग वनली। तो ये आप तो इजीली समझ गए होंगे। अब आइए कुछ और देखते हैं दोस्तों। हमने पिछले लेक्चर में ये राउटर पढ़ा था, व्यूज पढ़ा था, व्यूज क्या होता है आइए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। इस राउटर में हमारा होता है कंट्रोलर, ठीक है दोस्तों। इस राउटर के में हमारा होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर में होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं इंडेक्स डॉट जे एस और यूजर डॉट जे एस, ये दो प्रकार के कंट्रोलर होते हैं, और इसमें लिखी जाती है एक्शन, ठीक है दोस्तों। जो ये हमने एक्शन लिखा था वेलकम नाम का, ये कंट्रोलर के अंदर ही लिखी जाती है, ठीक है दोस्तों। और इस एक्शन को कौन कॉल करता है, व्यूज व्यूज कॉल करता है दोस्तों। और ये जो एक्शन बनी होती है रेस्ट API के थ्रू बनी होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। या हम आपको और बता दें, ये जो हमारा राउटर होता है ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है दोस्तों। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होता है, इसको जब भी एग्जीक्यूट करता है, कौन एग्जीक्यूट करता है दोस्तों, सर्वर, मतलब जो राउटर को एग्जीक्यूट करता है उसको सर्वर एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ देखते हैं एक्शन कॉल बाई व्यूज, यानी जो भी एक्शन होते हैं कॉल, ये व्यूज द्वारा कॉल होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम एक्शन लेंगे ये व्यूज में जाता है, ये व्यूज होता है इंडेक्स डॉट ई जी एस जो मैंने आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। इसमें आएगा व्यूज में, जो व्यूज अपने अंदर कंटेन करके रखता है वो HTML फाइल को कंटेन करता है, कंटेन करके रखता है, ठीक है दोस्तों। ये व्यूज जो होती है क्लाइंट साइड होती है, ठीक है, जी हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके थे।
ठीक है दोस्तों, अब आइए हम पढ़ते हैं कि अपना हम खुद का एक्शन कैसे बनाएंगे, उसके मेथड क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे होगा डिजाइन योर ओन एक्शन। ठीक है दोस्तों, डिजाइन योर ओन एक्शन। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे डिजाइन योर ओन एक्शन दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर। ठीक है दोस्तों, वेयर एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर, और उसके अंदर जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम एक्सप्रेस। अब ये होता क्या है दोस्तों, आइए हम इसको समझते हैं। ये जो होता है दोस्तों, ये वेयर टाइप का एक्सप्रेस जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये किसके हेल्प से बनता है, ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेस। चलिए, ये जो रिक्वायर होता है दोस्तों, ये जैसे सी प्रोग्रामिंग में हमारा इंक्लूड रहता है, यहाँ पे रिक्वायर रहता है। ठीक है, ये एक्सप्रेस के डिपेंडेंसीज पैकेज जो भी होते हैं उसको अपने अंदर इंक्लूड करता है, उसकी मदद से हमें एक्सप्रेस नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम वेयर राउट्स इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउट्स। ये जो एक्सप्रेस होता है, ठीक है दोस्तों, ये एक्सप्रेस जो होता है इसके पास एक मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं राउट्स। इस एक्सप्रेस के पास एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं हम राउट्स, और इस राउट के मेथड से हम एक्सप्रेस के इस राउट के मेथड से हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं राउट्स, और इसी राउट्स के अंदर, इसी राउट्स के थ्रू हम जो अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्तों, रिच टीपीआई बनाते हैं। इसी राउट्स के थ्रू हम जो बनाते हैं वो रिच एपीआई बनाते हैं, जहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे इसी राउट्स के थ्रू हम जो बनाते हैं अपना रेस्ट एपीआई बनाते हैं दोस्तों, रेस्ट एपीआई। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि रेस्ट एपीआई कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। जो रेस्ट एपीआई होती है वो फोर यानी चार प्रकार के होती है, जिसमें से पहला होता है रेस्ट एपीआई का, पहला होता है गेट, दूसरा होता है पुट, तीसरा होता है पोस्ट, और चौथा होता है डिलीट। ठीक है दोस्तों, तो ये चार प्रकार की हमारी रेस्ट यूपीआई, रेस्ट एपीआई होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रेस्ट एपीआई हमारी चार प्रकार की होती है जिसके मदद से हम किसी भी एक्शन को या एपीआई को बनाते हैं, इसकी मदद से इसी के अंदर हम एक्शन बनाते हैं। अब आइए इसको हम सिंटैक्स को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके सिंटैक्स को देखते हैं जिसके थ्रू हम एपीआई बनाते हैं। तो आइए इसको सिंटैक्स को भी हम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा सिंटैक्स जो है एस वाई एन टी ए एक्स, सिंटैक्स टू क्रिएट एन ए पी आई, ये किसके हेल्प से बनाएंगे हम, ये बनाएंगे हम गेट ए पी आई के थ्रू। तो इसका जो सिंटैक्स होगा, सॉरी दोस्तों, इसका जो सिंटैक्स होगा वो होगा राउट डॉट गेट, यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा एक्शन नेम होगा। ठीक है दोस्तों, एक्शन नेम, और यहाँ पे होगा फंक्शन, और फंक्शन के अंदर जो होगा वो होगा रिक्वेस्ट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स। ठीक है, और आगे यहाँ पे हमारा हो जाता है यहाँ पे जो हमारा आगे होगा वो क्या होगा दोस्तों, इसे हम जो भी लिखना
लिखेंगे टेक्स्ट जो होगा,